नेक्स्ट टू अमिताभ बच्चन एट दैट टाइम, अमिताभ बच्चन जी के बाद वर्स्ट बिगेस्ट मूवी या उस वक्त सभी का मानना यही था कि मतलब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ऑलमोस्ट काम कर रहे थे. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं काका जी ने अपना काका जी के साथ तो काम किया, विनोद खन्ना जी के साथ काम करना चाह रही थी. एंड दैट वाज द टाइम अशोक रॉय जी बना रहे थे एक और एक 11 फिल्म. तो उन्होंने मुझे विनोद खन्ना जी के ऑपोजिट लिया. देन मैं तो आई वॉज सो टॉल लाइक दिस. तो शशि जी एंड नीतू सिंह एंड विनोद खन्ना एंड माई सेल्फ वी प्लेड दैट एक और 11. Yeah, it was a very good movie and I really enjoyed working in it. And ये तो सबको इंडस्ट्री में पता था कि when was at the peak of his career, उन्होंने अपना करियर छोड़कर वो देखने के आश्रम में चले. हाँ, ये सबके लिए बहुत shocking था, लेकिन maybe that's what he wanted at that time. Like being a part of the industry, what या हम लोग सब सोच रहे थे क्यों छोड़ दिया इन्होंने, क्यों छोड़ दिया. वो क्वेश्चन अभी तक सबके दिमाग में है, क्यों छोड़ दिया. शायद उस वक्त जितना आई बिलीव इन डेस्टिनी अलॉट, उस वक्त शायद उनके नसीब में उतना ही था काम करने का, शायद इस वजह से उन्होंने उतना ही काम किया. लेकिन छोड़ दिया, उनका वो अपना डिसीजन था. पता नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छी लगी मुझे. शबाना डिड लॉट ऑफ मूवीज विथ हिम. हाँ, काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन पता नहीं, हम मैंने कभी उस अंदाज से नजरिए से नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं मालूम. दे यूज्ड टू लुक नाइस टुगेदर, इट्स फाइन.